अगर आपको इस रेसिपी के रिटर्न इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे विजिट करें। साथ ही साथ मेरे और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा भोसले और आप सभी का मैजिकल स्पाइसेस में फिर से एक बार स्वागत है। नॉनवेज में हम बहुत सारे डिशेज ट्राई करते हैं, उसमें मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है वो तो सबसे फेमस है और उसमें भी चिकन भुना ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए फिर मुंबई फेमस स्ट्रीट फूड चिकन भुना की फटाफट बनने वाली इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं। चिकन भुना बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश चिकन लगने वाला है, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन को एकदम बारीक चॉप करके लिया है। इसमें हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ चम्मच सॉल्ट और 1/4 चम्मच कश्मीरी पाउडर। अभी हम इन सभी स्पाइसेस को और चिकन को अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि कुछ स्पाइसेस है 1/4 चम्मच टर्मरिक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच कोरिएंडर, 1/4 चम्मच क्यूमिन पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। इसके बाद मैंने एक ऑनियन फाइनली चॉप करके लिया है, फ्रेश टोमेटो की आधा कप प्यूरी ली है, 2 से 3 चम्मच दही और फ्रेश क्रीम, क्रीम के बजाय आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी की फाइनल टच के लिए हमें 1 चम्मच काजू की पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और फ्रेश धनिया और 1 मिर्ची, इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल गरम करके लिया है, इसमें अभी हम जीरा और ऑनियन ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक और ब्राउन होने तक तेल में पकाना है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, इसकी वजह से प्याज जो है सॉफ्ट होने में हेल्प हो जाएगी। प्याज को थोड़ा सा और हम सॉटे कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, ब्राउन कलर आ चुका है उसका। अभी इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें जो हमने स्पाइसेस लिए थे उन सभी स्पाइसेस को ऐड कर देना है और प्याज में अच्छे से उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। सारे मसालों को हमने प्याज में अच्छे से भून लिया है, अभी इसमें हम टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। टोमेटो की प्यूरी को आपको तब तक पकाना है जब तक उसका जो पानी है वो सोख नहीं हो जाता और ऊपर से उसके तेल नहीं छूटता। मसाले के मिक्सचर ने ऊपर से तेल छोड़ना शुरू किया, यानी कि जो टोमेटो है वो अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और मसाला और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है और फिर से पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन में थोड़ा सा उबाल आने के बाद हमें उसमें काजू पेस्ट और 1 मिर्ची को ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम चिकन में दही ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली 2 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे ताकि दही जो है फटे ना। चिकन भुना के फाइनल टच के लिए हमने कसूरी मेथी, गरम मसाला और फ्रेश धनिया, ये सारी चीज़ें रखी थी उन्हें भी हम चिकन में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें चिकन में फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप दूध की मलाई को भी मिक्सर में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। फाइनली चिकन भुना सर्विंग के लिए रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और सॉल्ट ऐड करके हम उसे सर्व करेंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इस डिश को आप पाव, ब्रेड, पराठा या फिर रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज के चिकन भुना की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इजी है इसे बनाना, आप इसे घर में एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको फ़ोन पे आते रहेंगे।